एनएसए न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने अपना कुनबा विस्तार करने की कोशिश तेज कर दी है। इसी कड़ी में आरजेडी ने अब आसाम और पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ताल ठोका है। आसाम में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी अपने प्रत्याशी उतारेगी, इसकी घोषणा तेजस्वी यादव ने कर दी है। बहरहाल इन दोनों राज्यों में तेजस्वी को कितनी कामयाबी हासिल होती है, यह तो चुनाव परिणाम के दिन ही साफ होंगे। विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान के सामने लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को मजबूत बनाए रखने की चुनौती है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का विरोध कर जिस तरह विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद अब बदली हुई परिस्थितियों में उनके सामने कौन सी प्राथमिकताएं हैं, इसे लेकर आज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होगी। एलजेपी अध्यक्ष ने आज पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। प्रदेश एलजेपी कार्यालय में इस बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में सभी प्रमुख नेताओं के अलावे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। इस चरण में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वहीं बिहार विधानसभा में भी सोमवार से टीकाकरण शुरू हो जाएगा, जहां सभी विधायकों विधान पार्षदों को टीका लगाया जाएगा। बिहार में इंटरमीडिएट और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका की जांच अब एक ही पाली में किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने अपने नियम में बदलाव कर दिया है। इसकी जानकारी सभी केंद्र अधीक्षक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है। बता दें कि बोर्ड की तरफ से इस बार कई विषयों का मूल्यांकन 2 पाली में कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बोर्ड ने अब इसमें बदलाव कर दिया है। अब मूल्यांकन सुबह 9:30 से 5 तक एक ही पाली में कराया जाएगा। सासाराम में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर आया। ताजा मामला रोहतास जिले का है, जहां कारगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे को अपराधियों को संजीव मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद विधायक संतोष मिश्रा ने कहा, जब एक विधायक का परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या परिस्थिति होगी। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जाती है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये जो सत्ता है और ये जो शासन अभी चल रहा है बिहार में, उसमें आम से लेके खास आदमी तक सुरक्षित नहीं है। जब मेरे परिवार पर ऐसा हमला हो सकता है तो आम लोगों की तो बात ही छोड़ दी है। अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभी हम लोग पूरा परिवार, चूँकि अशोका कुल है सारा परिवार, एकदम खास भतीजे की मेरी हत्या हुई है, दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए आफ्टर पोस्टमार्टम। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन होंगे, इस पर आज फैसला हो जाएगा। राज्य के मौजूदा मुख्य सचिव दीपक कुमार का कार्यकाल आज यानी 28 फरवरी को खत्म हो रहा है और 1 मार्च से राज्य में नए मुख्य सचिव को अपना कामकाज शुरू करना है। बता दें कि दीपक कुमार 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और सेवानिवृत्त के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने उनके सेवा विस्तार को मंजूरी नहीं दी है, लिहाजा बिहार में किसी IAS अधिकारी को ही मुख्य सचिव बनाया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मधुबनी जिले से गोलीबारी की घटना सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने एक दवा दुकानदार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है। हालांकि दवा दुकानदार को इस फायरिंग में एक भी गोली नहीं लगी। पीड़ित दुकानदार बासुपट्टी निवासी मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि अपराधी 6 की संख्या में थे। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर एक जिंदा गोली और खाली खोखा बरामद किया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सामने में आया, बंदूक से गोली चलाया, सीधा गोली चलाया, प्रयास किया दुकान में घुस के लूटने का, लेकिन नहीं हो पाया तो 5-6 राउंड गोली चला के निकल गया। और यहाँ से फायरिंग करते हुए निकल गया। पहचान में आया है कोई लोग? नहीं, कोई पहचान नहीं है। और
बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉल प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण की हुई है। अपोजिशन का काम है ना, अपोजिशन का काम है जागते रहो। अगर वो कर रहा है तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर का उसको दुरुस्त रखना हमारा काम है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका काम है, सरकार का काम है, हम दुरुस्त रखे हुए हैं। वो चाहते हैं और दुरुस्त करेंगे। क्राइम घटते बढ़ता रहता है। क्राइम ऐसा नहीं है कि कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रशासन ने अचानक जानकारी दी कि सुबह तक सभी छात्रों को हॉस्टल और कॉलेज खाली कर देना है, अन्यथा उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे परेशान होकर छात्रों ने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम लोग कुछ मांग कर रहे हैं।